हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एक सीरीज में चलाने की सोच रहा हूँ कि बहुत बच्चा मुझसे बोल रहा है, सर मोटिवेट कर दो, सर मोटिवेट कर दो। अब होता क्या है ना, देखो दो टाइप की मोटिवेशन है। एक तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ, आप में एनर्जी फूकूँ एंड आप मोटिवेटेड हो जाओ, 2 दिन चले और खत्म हो जाए। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ सेल्फ मोटिवेशन इज द की, लेकिन अब दिक्कत यह है कि बच्चा वो सेल्फ मोटिवेशन ढूंढ नहीं पा रहा है कि सर सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ तो वो चाहिए। तो मैंने एक सोचा कि जब सिंस मैं एनडीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ एनडीए से रिलेटेड ऐसा करना चाहिए। तो क्या किया मैंने, इस वीडियो में क्या है मैं बताता हूँ कि भाई आप क्यों कर रहे हो। हम साइंस के, मतलब आज साइंस के जमाने में जी रहे हैं, हर तरफ साइंस साइंस है, ठीक है। हर चीज के पीछे हम क्वेश्चन पूछते हैं, वाई, क्यों। भक्ति करते हैं तो पूछते हैं क्यों, कुछ भी करते हैं पूछते हैं क्यों। तो भाई साहब द सेम क्वेश्चन इज एनडीए क्यों। तो उसके लिए मैंने आज ये बताया, बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि भाई साहब एनडीए करके क्या मिलेगा। वो मिलेगा, उसके सपने देखोगे, रोज रात को देख देख के सोओगे सपने, तो अपने आप ही ना ये जो अंदर से आवाज आती है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ मोटिवेशन के, वो निकल के आए। तो उसके लिए जब से समझना मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग होगा, पूरी वीडियो को देखना एंड तक, मजे आएंगे, ठीक है। तो भाई साहब देखो, मुझे आपको इस स्टेज से जो आपको दिख रही है अभी, इस स्टेज से मुझे पहुंचाना है यहाँ तक। क्या बोलो, खुद से बोलो कि हाँ, अरे हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ यू कैन डू इट, ये खुद से बोलो यस सर आई कैन डू इट, ये मुझे पहुंचाना है। तो भाई देखो, सबसे पहले जो जर्नी होती है आपकी, आप एनडीए में चले जाते हो, इतनी सुंदर सी जगह पे आप इतना टाइम बिताते हो, मतलब सपनों की दुनिया है ये सच में। आप कैडेट्स के इंटरव्यू देखोगे तो वो वही बोलते हैं कि इतनी सुंदर जगह है, इतनी ग्रैंड जगह कभी हमने देखी नहीं थी, पहले यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पार्ट बनते हो, अलग अलग स्क्वाड्रन्स का पार्ट बनते हो, दोस्त यारी करते हो, मतलब कितना कुछ नहीं करते यहाँ पे, मतलब एक अलग ही जिंदगी आप 3 साल बिताते हो, ठीक है। उसके बाद आप निकल के फिर अलग अलग अपनी ट्रेनिंग अकेडमीज में जाते हो, ठीक है। भाई कोई देहरादून जा रहा है जिसको आर्मी का शौक है, ठीक है, जिसको आर्मी मिला है बेसिकली, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब वही ना, अब वो फील आने शुरू होगी। अब 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद फिर आपका अल्टीमेट जो था कि भाई लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे बंदा पोस्ट हो गया, ठीक है। बड़ी ही वो बोलते हैं ना, मतलब इमोशनल मोमेंट होती है वो, उस वो ये जो 3 साल का टाइम था ना, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता है। मतलब एनडीए एग्जाम पास करके वहां पहुंचना, ऐसा नहीं कि उसके बाद लाइफ इज सेटल, उसके बाद कुछ नहीं करना, भाई साहब वहां भी एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही स्ट्रगल है बच्चा। लेकिन है कि जब इतने सारे यार दोस्त अकेडमी में होते हैं ना, तो अपने आप ही मोटिवेशन वैसे ही रहता है, और फिर कुछ कर दिखाने का जज्बा, हर बंदा कुछ यूनिक है, मतलब हर बंदा जो वहां पे गया है तो भाई साहब कुछ है ना उसके अंदर, तो वो सारी चीजें होती है। अब पॉइंट आते हैं, उसके बाद क्या भाई, आप बन गए लेफ्टिनेंट, उसके बाद क्या। तो फिर ये वाला मीम मुझे याद आता है, फिर ना आपकी मतलब ना औकात यहाँ से यहाँ हो जाती है, ठीक है। या फिर पहले कह लो, पहले तो औकात थी नहीं, फिर एनडीए में गए थोड़ी सी औकात बढ़ गई, फिर जो फाइनली बन गए, वो लग गए ना सितारे, तब औकात बढ़ गई, तब सब कुछ चेंज हो जाता है मेरी जान। वहां से ये वाला मीम मुझे याद आता है कि अपने को चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो गुड्डू भैया नहीं रहे हैं जो लिबर लिबर किया करते थे, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो वही वाली सिचुएशन हो जाती है कि भाई अच्छा, सोसाइटी बहुत इज्जत देती है ना, एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को ना सोसाइटी बहुत इज्जत देती है, मतलब उसी इज्जत के तो पीछे इंसान भाग रहा होता है। भाई साहब एक सोसाइटी में इज्जत, एक देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा, अलग अलग जगह पर रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये ना हमेशा देखा है कि देखो जैसे मैं एक स्टैंड अप देख रहा था कल परसों ना, तो वो होता है ना क्राउड वर्क, जिसमें क्राउड के लेते हैं वो लोग, है ना, तो उसमें वो अलग अलग बंदे से पूछ रहे, हाँ जी बताओ जी आप क्या करते हो, हाँ जी आप बताओ, तो सबके ले रहा हूँ। फिर उस बंदे ने बोला कि मैं आर्मी में ऑफिसर हूँ, तो भाई साहब उसने कहा सर चलिए आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको दिल से। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये वाली जो इज्जत है, ये सिर्फ इन्हीं लोगों को मिल सकती है, ये दुनिया में कहीं नहीं है भाई, ये इन्हीं फोर्सेज में है, ठीक है। हर बंदा आपकी इज्जत करेगा। पॉलिटिशियन को लोग गाली देते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, आपने देखा होगा ना वो अभी यूपीएससी आईएएस वाला भी सीन होता, शादी बर्बाद कर दी, मतलब गालियां पड़ती हैं लोगों को हर काम में, चाहे वो काम कितना अच्छा करो कितना बुरा करो। लेकिन ये जो फोर्सेस के ऑफिसर होते हैं ना, दिस इज समथिंग, मतलब हर बंदे के दिल से कुछ निकलता है, ठीक है। तो वही वाली बात, अब आपको चाहिए फुल इज्जत, क्या कुछ नहीं मिलता आपको भाई साहब, एक अच्छा बंगला मिलेगा, ठीक है, अच्छी लड़की मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अब हो सकता है पहले महिला मित्र रही हो, वही हो जाए, वरना महिला मित्र ना हो तो वो लाइन लग जाती है, वो ना रिश्तों की लाइन लग जाती है, ठीक है। तो एक मतलब बिकॉज एक आपका स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, वो वाला सीन नहीं रहा है कि मतलब भाई ऐसे लिबर लिबर थोड़ी ना कर रहे हो, अब भाई साहब आपका एक लेवल है, ठीक है।
और जो सोसाइटी देती है, बिकॉज अल्टीमेटली ना आप इस झंडे को, झंडे के लिए काम कर रहे हो भाई साहब। बंदे पता नहीं कहाँ से क्या क्या कर रहे हैं, मतलब आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। मतलब वो ब्रिगेडियर प्रताप सिंह का डायलॉग नहीं है कि सच तो ये है, मैं हूं तो तुम हो। मैं ये नहीं कह रहा ब्रिगेडियर प्रताप की जो मेंटेलिटी थी मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मतलब कुछ चीजें बहुत ही टची हैं इसमें, इस मूवी में। शोले मूवी जिसने ना देखी, उसके डायलॉग कह रहा है कि सच ये है कि मैं हूं तो तुम हो, सच ये है कि मैं 7,500 की फिट पे खड़ा होकर अपनी हड्डियां गलाता हूँ तो तुम इश्क लड़ाते हो, तुम डिस्को जाते हो, तुम चैन से सोते हो, तुम चैन से जीते हो, खुली हवा में सांस लेते हो, और ये सच है। तो यही रिस्पेक्ट सोसाइटी भी वापस देती है भाई। हर जगह ना एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है भाई आपको। मतलब मेडल्स मिल रहे हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि धोनी को, अगर धोनी सूट बूट पहन के जाते तो उनको उनकी कम इज्जत होती, लेकिन भाई साहब जब धोनी वर्दी पहन के गए ना तो ये फोटो वायरल हुई ना। देखो सबके अंदर से निकल के आया ना, मतलब समझ रहे ना उस फीलिंग को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई विराट कोहली को भी अवॉर्ड मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन इस वर्दी से ये फोटो वायरल हुई है, इस वर्दी से हुई है फोटो वायरल, ठीक है जी। तो मतलब कोई जो सोसाइटी में है ना कि चीजें की, मतलब यार इस सर्विस इतना कुछ कर रही है, हमारे लिए इतना कुछ सर्व कर रही है, वो सोसाइटी वापस भी करती है रिप्या आपको। ऐसी बात नहीं है कि सर्विस उसको ऐसे ही छोड़ देती है, सर्विस भी मतलब सोसाइटी उसको ऐसे ही छोड़ देती है, मतलब वापस करती है सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें मैं आज क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जान जब आपको पता हो ना कि मुझे क्या मिलने वाला है। अच्छा यहाँ पे ज्यादा फोकस मत करना, कहीं बोलोगे सर हाँ मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ, ये तो वैसे भी कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन बता रहा हूँ कि एक बहुत ही जो एक होता है ना स्टैंडर्ड, यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो चीजें बहुत अच्छी मिलती है। तो जब आपको पता है ना कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, कि भाई साहब मैं कहाँ कहाँ सर्व करूंगा, कितने लोग मेरे अंडर हो गए, मैं अच्छा मेरे फ्रेंड है बहुत ही बड़ी पोस्ट पे, आज उनका मैं डिटेल तो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है कि मतलब ठीक है किसी उसके डीजी है, ठीक है। तो भाई जब हम कॉलेज में थे ना तो तब उनकी उससे मतलब इतनी औकात इतनी बड़ी थी कि उनके उससे हम आईएमए घूमने गए थे, ठीक है। तो भाई साहब जब आईएमए घूमने गए ना तो वो इतने पॉपुलर बंदे थे, उनको मतलब काफ़ी गोलियां वोलियां लगी थी, एंड ही वॉज कश्मीर स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो गए, मतलब हम गए तो उनको अच्छा अच्छा अरे सर 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 आप मतलब उनके मतलब उनके बेटे के साथ गए थे, 6 जन थे, उनके बेटे के साथ गए थे, अच्छा अच्छा सर आप उनके रेफरेंस से रहा हो। तब उन्होंने हमें कहानियाँ सुनानी शुरू करी कि सर मैं ना उनके साथ इस रेजिमेंट का पार्ट था, हम ये कर रहे थे, ये हमारा ऑपरेशन था, उनका इतना इतना बड़ा हाथ है, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी खतरनाक थी अंकल की ना, इतना बड़ा हाथ था, कह रहा वो ना ऐसे मैप पे ऐसे हाथ फेर देते थे कि एक काम करो याद है, उनका नाम याद होता जो हमें मेजर थे, वो कह रहे एक काम करो याद है इसको ना थोड़ा सा सर्च करो, कह रहा सर उनका हाथ इतना बड़ा, कह रहा एक बार हाथ रखते थे मैप पे वो और ऐसे घुमा देते थे, मतलब उनका इतने बड़े हाथ ने इतना घुमा दिया, कह रहा हमारी लग जाती थी, मेरी भाषा में तशरीफ मिल जाती कि सर इतना मतलब इतना सर्च करना है, सर्च ऑपरेशंस। और जब पुलवामा अटैक हुआ ना तब भी उनका बहुत बड़ा मतलब हमने जब रिटेलिएट किया पुलवामा अटैक में, जब हमने रिटेलिएट करा तब भी उनका बहुत बड़ा, जो उनकी स्टडी थी जो सब कुछ काम में आई उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब आप किसी जगह के स्पेशलिस्ट बनते हो, कितने लोग आपके पीछे होते हैं, कितने लोगों की लाइफ आपके हाथ में होती है, आप कैसे लीड कर रहे हो, आप कैसे गवर्न कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा जो आपके पीछे खड़ी है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी कमांड वो मतलब क्या करेगी, किस तरीके से लड़ेगी, आप कितने मतलब मोटिवेशन उनको दे सकते हो, सब कुछ आप पे डिपेंड है। आप एक लीडर की तरह बढ़ रहे हो भाई, लीडर की तरह बढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें जब आप सोचोगे ना, मतलब जो मैं आज बातें बता रहा हूँ उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सोचना कि क्या क्या हमें मिलने वाला है, लाइफ कैसे होने वाली है। तो ये सोच सोच के रोज सो रहे मिल जाए तब तो अगले दिन उसी जोश के साथ हाँ मुझे तो कुछ करना है। अब होता है कि हम बार बार इसी वाय को भूल जाते हैं कि क्यों हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह सारी क्लास लगा रहे हैं भाई ठीक है, सुबह लगा ली, रात को भी लगा ली, अच्छा ठीक है चलो एंजॉय कर रहे हैं, मिमिक्री एंजॉय कर रहे हैं, सब चीज़ चल रहा है, लेकिन अल्टीमेट मोटिव कभी मत भूल जाना कि मुझे करना क्या है। रोज 2 मिनट इस थॉट ये थॉट जरूर दो अपने आप को कि भाई साहब मुझे एक्चुअली करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, और फिर जो आपका है मतलब अल्टीमेट एम कि मतलब जाना मुझे कहाँ तक है, देश के लिए क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, वही नजरिया वही एटीट्यूड आज से आ जाना चाहिए। अरे भाई साहब मेरा तो यही कहना है, हर बार कहता हूँ मैं कि आपको तो वर्दी पहननी मतलब बाकी है बस, एटीट्यूड ऑफिसर तो आज आपसे ही, आज से ही हो आप भाई साहब, मेरी जान ऑफिसर तो आप आज से ही हो, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बच गई है, एक पेपर देना, एक इंटरव्यू निकालना, बस इतनी सी फॉर्मेलिटी बच गई, ऑफिसर तो आप आज से ही हो,
वो एटीट्यूड लाओ ना जो उसके बाद आपको करना है, वो डिसिप्लिन, सुबह टाइम से उठना, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से चीजें करना, एग्जीक्यूट करना, वो लीडरशिप वाली क्वालिटी, किसी के साथ कुछ हो रहा है थोड़ा सा दिखना, आप तो कोरोना का टाइम वैसे है, किसी की हेल्प कर सकते हो, तो सब कुछ, मतलब वो क्वालिटीज वो आज से आनी चाहिए, वो एटीट्यूड आज से होना चाहिए। ये मानो कि आज से मैं जी रहा हूँ, जो आज से चीजें करने स्टार्ट करोगे ना बच्चे, तब जाके अकेडमी में बेस्ट परफॉर्म भी करोगे, देश के लिए कुछ करोगे। ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस पोजीशन पर आप जाने वाले हो, एक पॉजिटिव अप्रोच, बहुत उम्मीदें हैं आपको, है ना। ऐसा है कि भाई जब आप वर्दी पहन लेते हो ना, खड़े होते हो, भाई जो मैं बता रहा था अभी सूर्यनूर का डायलॉग, कि आप हो तो हम हैं। मैं चैन से वीडियो बना रहा हूँ, चैन से सो रहा हूँ, सुकून से सारी चीजें कर रहा हूँ, बिकॉज तुम हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो संभालने की ताकत भी होनी चाहिए, तो वो तभी बनेगी जो एटीट्यूड आज से बनाओगे, एकदम से नहीं आ जाएगी। वहां पे ट्रेनिंग में जाते नहीं कुछ हो जाएगा, और यही चीज एसएसबी में वो देखते भी है। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब आप मतलब पहले तो ऐसे सुस्त से आदमी थे, कोई इनोवेशन नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पे जाते ही आपको अकेडमी में ऐसा सितारा बन के उभार दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। वो एटीट्यूड बंदे में आज से आना चाहिए, आज से वो एनर्जी होनी चाहिए, आज से वो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, आज से वो प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करनी है वो सोच होनी चाहिए, वो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आज से होनी चाहिए। इंटरव्यू में जाके नहीं, एसएसबी में जाके नहीं, आज से वो चीज होनी चाहिए आपके अंदर। जब आज होगा तब भाई साहब इंटरव्यू भी क्रैक होगा, सब कुछ होगा, और आप एक बहुत बड़ी फिगर बन के भी उभरेंगे। इंतजार मत करो कि पहले मैं रिटर्न निकालूंगा तब वैसे एटीट्यूड लाऊंगा, एटीट्यूड तो आज ही होना चाहिए। हर चीज के प्रति कुछ अलग तरीके से देखने की, चीजों को अलग नजरिए से देखने की, हर चीज का सोल्यूशन निकालने की, प्रॉब्लम सबके पास है, सोल्यूशन निकालने की, लीडर की तरह एक्ट करने की, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आज से होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो जो इतनी ये बातें थी, इससे आपको एक एनर्जी तो आई होगी, और अब आप मेरे अकॉर्डिंग बोल सकते हो यस सर आई कैन डू इट। और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुँचे हो और थोड़ा सा भी लगता है कि कंट्रीब्यूशन दिया है मैंने, कुछ एनर्जी आई आपके अंदर, तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर आई विल डू इट एंड आई कैन, आई विल डू सर आई कैन डू, कमेंट में हर जाना चाहिए आई कैन डू इससे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको इस टाइप के मोटिवेशन पसंद आ रहे हैं तो आई विल ट्राई कि मैं टाइम टाइम पर ऐसे मोटिवेशन बनाता, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और स्वस्थ रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, तभी तो इतना कुछ उखाड़ पाएंगे जैसे मैंने बोल लिया है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।